हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देसी स्पार्क। आजकल अगर आप कोई एक सीएनजी सेडान का लेने जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि आप कौन सी कार की तरफ जाएं, क्योंकि मार्केट में तीन सीएनजी कारें अवेलेबल हो गई हैं, मारुति डिजायर, टाटा टिगोर एंड ह्यूंडई ऑरा। तो आज के वीडियो में हम इन तीनों कारों को कंपेयर करने वाले हैं एंड आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी एक बेस्ट सीएनजी कार होने वाली है आपके बजट के हिसाब से। मेक श्योर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं हम बजट से, क्योंकि बजट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम डिजायर से, जो कि अभी न्यूली लॉन्च है। डिजायर के दो वेरिएंट में सीएनजी आती है, इसके वीएक्सआई एंड जेडएक्सआई वेरिएंट में सीएनजी आता है। वीएक्सआई 8,14,000 के एक्स शोरूम प्राइस से शुरू होती है एंड जेडएक्सआई 8,82,000 रुपये के एक्स शोरूम प्राइस से शुरू होती है। दूसरी कार है हमारी टाटा टिगोर, जो कि इसी साल लॉन्च हुआ है एंड ये कार भी दो वेरिएंट में आती है, एक्सजेड एंड एक्सजेड प्लस। एक्सजेड वेरिएंट 7,70,000 रुपये के एक्स शोरूम प्राइस पर आता है एंड एक्सजेड प्लस वेरिएंट 8,29,000 रुपये के एक्स शोरूम प्राइस पर आता है। तीसरी कार जो है यह ह्यूंडई ऑरा, ह्यूंडई ऑरा के वाले एक ही वेरिएंट में आता है, जो कि इसका मिड वेरिएंट है, एस वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस है 7,74,000 रुपये। तो अगर प्राइसेस की बात करते हैं तो सबसे सस्ती सीएनजी कार टाटा टिगोर पड़ता है। टिगोर का एक्सजेड वेरिएंट हमें काफी सस्ता पड़ रहा है। वहीं मारुति डिजायर के कंपेयर में टिगोर एंड ऑरा 40,000 से 45,000 रुपए सस्ती है। आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं हम इन तीनों कारों के इंजन के बारे में, क्योंकि इंजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी कार के लिए। इंजन इज अ हार्ट एंड हार्ट में क्या रिलायबिलिटी, क्या रिफाइनमेंट कौन सी कार में मिल रहा है, इसकी बात करते हैं हम। सो बात करते हैं हम डिजायर का। डिजायर में 1.2 लीटर का इंजन आता है, जो कि 77 पीएस का पावर निकालता है, 98 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करता है। बेसिकली ये एक फोर सिलेंडर इंजन है, जो कि डुअल जेट इंजन है एंड ये कार काफी ज्यादा रिफाइनमेंट है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ डिजायर सीएनजी में आती है। तीनों ही कारें मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, ऑटोमेटिक का कोई भी ऑप्शन किसी भी कंपनी की सीएनजी कार्स में नहीं है अभी तक। रिफाइनमेंट के मामले में डिजायर काफी अच्छा लग रहा है। लेट्स टॉक अबाउट टिगोर। टिगोर भी 1.2 लीटर इंजन के साथ आता है, 73 bhp की पावर निकालती है, 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ टिगोर सीएनजी में आती है, बट ये एक 3 सिलेंडर इंजन है तो आपको इसमें केबिन नॉइस एंड वाइब्रेशन मिल सकता है एंड हाँ, उतना ज्यादा रिफाइनमेंट नहीं है इन कंपेयर टू डिजायर एंड ऑरा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ऑरा। ऑरा भी आती है 1.2 लीटर इंजन के साथ, जो कि 69 bhp की पावर निकालती है एंड 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ऑरा भी एक 4 सिलेंडर इंजन है तो ऑरा भी काफी अच्छा रिफाइनमेंट मिल जाता है, बट पावर के मामले में ऑरा इन दोनों कारों से काफी कम पावर जनरेट कर रहा है। वेल, रिफाइनमेंट के मामले में ऑरा एंड डिजायर काफी अच्छा है इन कंपेयर टू टिगोर, बट अगर प्राइस के हिसाब से बात करते हैं तो टिगोर काफी सस्ती है एंड फीचर्स भी टिगोर में भर भर के मिल जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेफ्टी, क्योंकि सेफ्टी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल। जहां ऑरा केवल 2-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, डिजायर भी 2-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, वहीं टिगोर 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग पाई हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि टाटा की हर एक कारें आजकल काफी ज्यादा सेफ आ रही हैं एंड सेफ्टी के मामले में टिगोर सबसे आगे है। सो इफ फॉर यू सेफ्टी इज फर्स्ट प्रायोरिटी, देन गो फॉर टिगोर, क्योंकि टिगोर सेफ्टी के मामले में सबसे आगे है। डिजायर एंड ऑरा तो काफी पीछे है सेफ्टी के मामले में टिगोर से। मेन पॉइंट ये है कि कौन सी कार कितना देती है। सीएनजी कार की तरफ हम इसलिए जाते हैं क्योंकि सीएनजी कारों का काफी लो रनिंग कॉस्ट आता है, माइलेज भी काफी अच्छा मिल जाती है। सो बात करते हैं डिजायर की, जो अभी जल्दी लॉन्च हुई है। डिजायर का कंपनी क्लेम करती है कि यह 31 km/kg का माइलेज निकालेगी। वहीं टिगोर का कंपनी क्लेम करती है कि यह 26 km/kg का माइलेज निकालेगी। वहीं ऑरा का कंपनी क्लेम करती है कि यह 28 km/kg का माइलेज निकालेगी। सो अगर माइलेज की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा माइलेज हमें डिजायर में मिलता है एंड जैसा आप जानते हैं कि मारुति की हर एक कार माइलेज में सबसे आगे होती है। इवन आप मारुति की किसी भी सेगमेंट की कार ले लें, माइलेज के मामले में सबसे आगे मारुति की कार रहती ही है एंड सीएनजी में सबसे अच्छा माइलेज मारुति की कारें ही निकाल रही हैं। जैसे आपने सुना होगा कि सेलेरियो 36 km/kg का माइलेज कंपनी ने क्लेम किया है एंड एक्चुअल लाइफ में सेलेरियो 36-37 km/kg का माइलेज निकाल रही है। तो आप ये मान के चले कि डिजायर 31 km/kg का माइलेज निकालने वाली है एंड अगर आप इस कार को लाइट फुट पर चलाएं तो आपको ये कार 35 km/kg तक का माइलेज भी निकाल सकती है। तो माइलेज के मामले में भाई डिजायर काफी अच्छी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टिगोर। टिगोर का माइलेज भाई सबसे कम है इन तीनों कारों में। अब बात करते हैं हम फीचर्स की, फीचर्स कौन से कार में कितना फीचर्स मिल रहा है। तो हम इसमें लेंगे डिजायर का वीएक्सआई वेरिएंट, टिगोर का एक्सजेड वेरिएंट एंड ह्यूंडई ऑरा का एस सीएनजी वेरिएंट, क्योंकि ऑरा में केवल एक ही वेरिएंट आता है एस वेरिएंट और एस वेरिएंट का जो अच्छा कंपटीशन होने वाला है ये वीएक्सआई एक्सजेड वेरिएंट के साथ होने वाला है। डिजायर के वीएक्सआई वेरिएंट में हमें स्टील व्हील मिलता है, अलॉय व्हील नहीं आता, ओआरबीएम माउंटेड टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ओआरबीएम्स मिलते हैं, ब्लूटूथ इनेबल्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट इसमें मिल जाती है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो डिजायर के वीएक्सआई वेरिएंट में आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टिगोर एक्सजेड। टिगोर के एक्सजेड वेरिएंट में स्टील व्हील आता है, फ्रंट में फॉग लैंप मिल जाता है और फॉग लैंप डिजायर में नहीं आता। तो ये काफी अच्छी बात है कि एक्सजेड सबसे सस्ता होने के बाद भी टिगोर में हमें फॉग लैंप मिल जा रहा है, ओआरबीएम माउंटेड टर्न इंडिकेटर इसमें भी मिल जा रहा है, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ओआरबीएम्स मिल जा रहा है, ब्लूटूथ इनेबल्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम भी इसमें मिल रहा है, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल मिल जा रहा है, रियर सेंट्रल आर्मरेस्ट मिल जा रहा है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जा रहा है, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप भी मिल जा रहा है। पुश बटन स्टार्ट स्टॉप भाई ना ही VXI में आ रहा एंड ना ही S में आ रहा ऑरा के,
बट हमें एग्जैक्ट टिगोर में मिल जा रहा है जो कि इसका लोअर वेरिएंट है सीएनजी में। तो आप मान सकते हैं कि टिगोर में फीचर्स सबसे ज्यादा मिल रही है एंड सबसे सस्ता टिगोर का एग्जैक्ट वेरिएंट है भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑरा एससीएनजी। ऑरा एससीएनजी में स्टील व्हील मिल रहा है, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरबीएम्स मिल जा रहा है, ब्लूटूथ इनेबल्ड रिइंफोर्समेंट सिस्टम मिल रहा है, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल मिल जा रहा, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिल जा रहा, फ्रंट फॉग लैंप्स मिल जा रहे हैं। तो अगर फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा फीचर्स हमें टिगोर के एग्जैक्ट वेरिएंट में मिल रहा है एंड सबसे कम फीचर हमें ऑरा के एस वेरिएंट में मिल रहा। तो भाई ऑरा तो अब इन तीनों कारों के कंपेयर में बहुत पीछे हो चुकी है, प्राइस के मामले में भी, पावर के मामले में भी एंड फीचर्स के मामले में भी। इसलिए आजकल ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन भरा टास्क है कि इन तीनों कारों में कौन सी सीएनजी कार लेना वर्थ रहेगा। वेल, अगर आपको एक फुल फीचर लोडेड कार चाहिए तो आप डिजायर के ZXi वेरिएंट पे जा सकते हैं एंड टिगोर के एग्जेट प्लस वेरिएंट पर जा सकते हैं, क्योंकि आपको टिगोर के एग्जेट प्लस वेरिएंट में ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलने वाले हैं, 7 इंच का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलने वाला है, रियर पार्किंग कैमरा, ऑटो फोल्ड ORBM, रेन सेंसर वाइपर, ऑटोमेटिक एसी, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्ट, ये आपको एग्जेट प्लस में मिलने वाला है जो कि इसका टॉप इन वेरिएंट है टिगोर का सीएनजी में। डिजायर के ZXi वेरिएंट में जो एक्स्ट्रा फीचर्स मिलने वाला है VXi के कंपेयर में वो है अलॉय व्हील्स, 7 इंच का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, ऑटोमेटिक एसी, ये हमको मिलने वाला है डिजायर के टॉप इन वेरिएंट जो कि सीएनजी में है। तो भाई फीचर्स के मामले में टिगोर एग्जेट प्लस वेरिएंट तीनों ही कारों से काफी अच्छी है, प्राइस भी इसका काफी कम है एंड सेफ्टी भी काफी ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है। बट हाँ, इंजन को लेकर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम नहीं है, ये बस यही है कि इस कार का इंजन 3 सिलेंडर है बट पावर भी काफी अच्छा आपको इसमें मिल रहा है। सो जो एक फुल वैल्यू फॉर मनी सीएनजी सेडान कार है वो टिगोर का एग्जेट प्लस वेरिएंट है अगर आपको फीचर चाहिए पूरा भर के। सो बात करते हैं कंक्लूजन लास्ट में क्या निकलता है, कौन सी कार आपको लेना चाहिए। देखो, अगर आपका बजट कम है एंड आपको एक सेडान सीएनजी कार चाहिए तो आप टिगोर के एग्जेट वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं, काफी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, फीचर्स भी आपको बेसिक नीड के सब मिले जा रहे हैं एंड सेडान कार है तो आपको बूट स्पेस भी काफी अच्छा मिल जा रहा है। वेल, अगर आपको एक फीचर लोडेड कार चाहिए फिर आप जा सकते हैं टिगोर के एग्जेट प्लस वेरिएंट पर। एंड अगर आपको इंजन रिफाइनमेंट काफी अच्छा चाहिए, लो मेंटेनेंस कार चाहिए तो फिर मारुति डिजायर आप ले सकते हैं, क्योंकि डिजायर लो मेंटेनेंस कार है एंड इंजन रिफाइनमेंट काफी अच्छा है। Hyundai ऑरा एससीएनजी लेने का कोई बात ही नहीं बनता। अगर आपको टाटा एंड मारुति की कारें नहीं पसंद है तो आप Hyundai ऑरा एससीएनजी की तरफ जा सकते हैं। बाकी Hyundai ऑरा एससीएनजी कुछ खास फीचर्स भी नहीं दे रहा एंड एक ही वेरिएंट में आ रहा एंड इस कार का लुक भी इतना अच्छा नहीं है इन दोनों कारों के कंपेयर में। एंड अगर आपके लिए सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है तो आप टिगोर की तरफ जाइए भाई, टिगोर काफी अच्छा फीचर दे रहा है आपको एंड सेफ्टी भी बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहा। वहीं अगर सेल्स की बात करते हैं तो जितना डिजायर पेट्रोल अकेले बिकती है भाई, इतना ऑरा एंड टिगोर मिलाकर भी नहीं बिकती। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में सेडान कार में किंग कौन है। मारुति डिजायर नो डाउट सबसे ज्यादा सेल होती है एंड सीएनजी में भी यही कार सबसे ज्यादा सेल होने वाली है, बट टाटा की टिगोर काफी अच्छा कॉम्पिटिशन देने वाला है डिजायर को। आई होप कि आपका जो भी कंफ्यूजन या जो भी डाउट होगा इन तीनों कारों को लेकर वो रिसॉल्व हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।